अस्सलाम वालेकुम, बिरयानी रेडी के किचन में आप लोगों को वेलकम। तो आज बिरयानी रेडी के किचन में बन रहा है बैगन का रायता। आप इसको खाली सिर्फ रोटी और नान के साथ भी खा सकते हैं, बेहद मज़ेदार, बहुत लजीज बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब जल्दी से बिरयानी रेडी के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। ये हमने एक बैगन लिया है, खूबसूरत सा, प्यारा सा, और तवा हमने पहले से गर्म किया हुआ है मीडियम पर, और हम इस बैगन को रख देंगे और इसको एक तरफ रख रख कर टर्न करते जाएंगे। चलिए जी, थोड़ी देर में इस हसीन खूबसूरत बैगन का हम ये हशर कर देंगे और इसको ठंडे होने तक का इसका इंतज़ार करेंगे, जब तक हम दही को रायता बनाते हैं। ये 2 कप मैंने दही लिया है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और भुना पिसा ज़ीरा 1/4 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून डालेंगे और इसको मिक्स करके अलग से रख लेंगे। ये बैगन एग प्लांट जो है अब हमारा ठंडा हो गया है, तो हर तरफ से हम इसका ये जो छिलका है जो हार्ड हो गया ये निकाल देंगे। इसको पूरे अच्छे तरीके से हम क्लीन करेंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम इसे कट करेंगे, और अगर चाहें तो मैशर से मैश भी कर दें। अब हम 3 टेबल स्पून जो है ऑयल लेंगे और एग प्लांट को जो है वो फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। आप चाहें ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और जब बैगन ठंडा हो जाएगा तो हम इसे रायते में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर अब हम एक लगाएंगे मज़ेदार किस्म का तड़का। ये कोयला भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, असल सारा टेस्ट इस धुनी का ही आएगा। अब हम तड़के के लिए जो है वो ऑयल लेंगे 3 टेबल स्पून, अनियन मैंने जो है 1 स्मॉल अनियन डाली है, और उसके साथ ही जो है हम ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसको प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम ये कड़ी पत्ता डालेंगे, 4-5 कड़ी पत्ते डाल दीजिए, ग्रीन चिलीज़ डाली हैं 3-4, और फिर उसके बाद लास्ट में जो है हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे 2-3 टेबल स्पून आप डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करें और दही में आप इसको डाल दीजिए। ऑयल कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला है ताकि जिनको वेट कम करना हो वो भी आसानी से खा सके इसको। और ये देखिए मैंने कोयला रख दिया है और उस पर ऑयल डाल के इसको ढक देंगे हम तकरीबन 5-10 मिनट्स तक ढक दें, और फिर आप कोयला हटा के इसको डिश आउट कर लीजिए। चलिए जी, मज़ेदार किस्म का बैगन का रायता तैयार है, बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिरयानी रेडी के किचन को भूल गए तो जाते जाते ये ज़रूर करते जाइए, और रेसिपी शेयर कर रही हूँ ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।